गुड मॉर्निंग स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 5 ओके। अभी आज प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्यों में दीजिए। चलिए प्रश्न लिखिए आप। प्रश्न 1 है ना। पहला प्रश्न है, कवि ने किसे धरती का शान कहा है। कवि ने किसे धरती का शान कहा है। देखिए प्रश्न नंबर 1 प्रश्न भी लिखेगा और आंसर भी लिखेगा ओके। प्रश्न और उत्तर, क्वेश्चन एंड आंसर। देखिए प्रश्न है, कवि ने कभी ने किसे धरती का शान कहा है। कभी ने मनुष्य को धरती का शान कहा है। इसका आंसर होगा, कभी ने मनुष्य को धरती का शान कहा है। ठीक है, आंसर है इसका, कभी ने मनुष्य को धरती काम कहा है। सेकंड क्वेश्चन है, मनुष्य कवि ने मनुष्य को क्या पहचानने के लिए कहा। कवि ने सेकंड क्वेश्चन लिखिए, कवि ने मनुष्य को क्या कवि ने मनुष्य को क्या पहचानने के लिए कहा। कवि ने मनुष्य को अपनी शक्ति पहचानने के लिए कहा। लिखिए कवि ने पहचानने को कहा। फिर नेक्स्ट लिखिए आप, महाकाल कहाँ छिपा है। 3 क्वेश्चन है, महाकाल कहाँ छिपा है। क्वेश्चन नंबर 3, महाकाल कहाँ छिपा है। महाकाल कहाँ छिपा है। किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ आके आगे बैठ जाओ। एक 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 आएगा कोई भी, एक को बोला। हाँ यहाँ बैठ, नहीं देखने के लिए लिखता है। चलिए टच मत करना। हाँ, महाकाल कहाँ छिपा है। महाकाल मनुष्य की छाती में छिपा है। आंसर लिखिए इसका, महाकाल
छिपा है। कवि ने मनुष्य के किसके समान वीर बताया है? कवि ने मनुष्य को किसके समान वीर बताया है? यहाँ से दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ऊपर का रीड कर देती हूँ। ये नहीं दिखा है। कवि ने मनुष्य को क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य किसके समान वीर है? मनुष्य किसके समान वीर है ना? सर लिखे इस बार मनुष्य धरती के समान वीर है। मनुष्य धरती के समान वीर है ना? अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आपका आएगा कवि ने मनुष्य को किसके समान वीर बताया है? कवि ने मनुष्य को किसके समान वीर बताया है? ध्यान रखना है आपको, कवि ने मनुष्य को किसके ना किसके समान वीर बताया है? कवि ने मनुष्य को किसके समान वीर बताया है? तो कवि ने मनुष्य को अग्नि के समान वीर बताया है। इसका आंसर लिखेगा, ये लिख लिया आप लोगों ने? यस यस। कवि ने मनुष्य को अग्नि के समान लिखे, कवि ने मनुष्य को अग्नि के समान भी बताओ। ये आपका 5 क्वेश्चन हो गया। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए, कवि ने मनुष्य को महान क्यों कहा गया है? ये प्रश्न थोड़ा लॉन्ग है ना? कवि ने लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स लिखाया था, ओके है ना? सही और चूज द करेक्ट आंसर भी हो गया। मनुष्य की किसकी शान है, इसमें कोई बाकी नहीं है ना? पूर्णावर्तन का मैं एक्सप्लेन कर दूंगी,
इसमें है रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखी, वो कहानी लिखवा दूंगी आप लोग को, है ना, जो मैं उसकी एक्सप्लेन की थी ऐसे की थी ना, वीडियो तो बनाया नहीं था, ऐसे ही पढ़ाया था ना आपको, तो आज मैं लिखवा देती हूँ। पहले ये एक लिख लेते हैं, कवि ने मनुष्य को महान क्यों कहा है, प्रश्न लिखो। कवि ने यहाँ लिखो, सिक्स नंबर में ये थोड़ा लॉन्ग आएगा। कभी ने मनुष्य के लिखे मनुष्य की अद्भुत शक्तियां है, आंसर में लिखे यहाँ मनुष्य में अद्भुत शक्तियां है, मनुष्य में अद्भुत शक्तियां हैं, वह असंभव को भी संभव कर सकता है, है ना, वह असंभव को भी संभव कर सकता है। संभव को भी संभव कर सकता है, राइट। जो भगवान सब कुछ कर सकता है वह मनुष्य की आत्मा में निवास करता है। जो भगवान सब कुछ कर सकता है, जो भगवान सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है वह मनुष्य की आत्मा में निवास करता है, वह मनुष्य की आत्मा निवास मनुष्य में हिमालय जैसा उन्नत दिमाग है। मनुष्य में हिमालय जैसा उन्नत दिमाग है। मनुष्य में यहाँ से दिख रहा है ना, मनुष्य में ये हिमालय ऊपर ही ले सकती हूँ। उसकी तिरछी भौहें में शिव के उसकी
निकोबस की तिरछी मिट्टी तिरछी तिरछी भाव भाव समझते हैं किसको बोलते हैं आईब्रो हाँ भाव में शिव के तांडव में शिव के तांडव तांडव जैसा सामर्थ्य है जैसा सामर्थ्य तांडव जैसा सामर्थ्य है मनुष्य की ही भाषा मनुष्य लिखे मनुष्य मिट्टी से अमृत निकाल सकता है वह धरती और आकाश को एक कर सकता है। ओके
इस प्रकार मनुष्य असंभव लगने वाले काम भी कर सकता है। सेकंड क्वेश्चन, बेटी की तमन्ना, बेटी की क्या क्या तमन्नाएं हैं? तो बेटी तारा बनना चाहती है, वह धरती पर चांद की तरह चमकना चाहती है, उसकी इच्छा दुनियादारी बाग में खिलने वाला फूलों बनने की है, वह तितली बनकर हवा में चुमना चाहती है, तरह बेटी के दिल में वह कई तरह की तमन्नाएं हैं। ओके, उसके बाद से राजकाज का काम कैसे अच्छी तरह से चल सकता है, इसका आंसर आपको मालूम है? इसका भी आंसर है हजरत अली राजकाज के लिए राज की मोमबत्ती जलाते हैं, अपना काम करने के लिए राज की मोमबत्ती बुझाकर अपनी मोमबत्ती जलाते हैं। इसको मैंने आपको लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया था, है ना, कि किसी और का सामान अगर आपको देता है तो वो अपने काम में यूज नहीं लेना चाहिए, जब तक कि वो आपको बोल के नहीं जाता है कि इससे आप भी अपना काम चला लेना या इसे इस्तेमाल करना। ओके, चौथी स्त्री का बेटा सचमुच हीरा था क्यों? इसके भी बारे में, चौथी स्त्री का बेटा बहुत सीधा साधा और सरल स्वभाव का था, उसने देखा कि माँ सिर पर पानी से घड़ा उठाए आ रही थी तो उसे अनदेखा नहीं किया। बाकी सबके बच्चे का क्या किया था, सबने अपनी माँ को काम करते हुए देखते थे लेकिन क्या करते थे, वो अनदेखा कर देते, लेकिन चौथी स्त्री का जो लड़का था सच्चा हीरा, वो अपनी माँ को काम करते हुए देख कर अनदेखा नहीं किया बल्कि उसको मदद करने के लिए उसके पास चला गया। ओके, तो इसके प्रश्न का ये आंसर आ जाएगा। फिर इसमें और भी है, वो माँ के पास गया और घड़े को उसके सिर पर से उतार कर अपने सिर पर रखकर घड़ा लेकर घर की तरफ चला गया। ओके, इस तरह अपनी माँ के सच्चा प्रति सच्चा सेवा भाव दिखाकर उसने खुद को सच्चा लीला साबित कर दिया। नेक्स्ट है, आप माता पिता को कौन कौन से काम में मदद करते हैं, है ना? पहला है प्रश्न कि आप अपने माता पिता को कौन से काम में मदद करते हैं। तो जैसे मैं माँ के कहने पर बाजार से चीज़ें लाता हूँ, आप लोग करते हो अपने घर में हेल्प करते हो, मम्मी पापा का सामान लाते हो? ओके, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है ना, बैठ जाओ, सिट डाउन। इन चीज़ों में साग सब्जियां, फल तथा अन्य वस्तुएं हैं। मैं घर की साफ सफाई में भी काम की, मैं माँ की मदद करता हूँ। पिताजी के लिए पत्र ढकाने से पत्र पेटी में डाल कर आता हूँ, है ना। धोबी के यहाँ से उनके कपड़े लाता हूँ, उनके कहने के अनुसार खाने पीने की चीज़ें भी खरीद के लाता हूँ। इस प्रकार घर में मैं अनेक कामों में अपने माता पिता का मदद करता हूँ। तो हमें अपने माता पिता की आज्ञा भी मानना चाहिए, उनका मदद करना चाहिए और उसके साथ साथ अपने खेलने मिलने का भी समय निकाल के अपनी माता पिता से, जब आपको बोलते हैं कि हाँ जाओ खेलने के लिए, टीवी देखने के लिए, तो ये भी आपके शारीरिक और मानसिक के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, तो इसे भी करना होता है। बट हमें सब माता पिता के ध्यान में हर बातों को रखते हुए काम करना चाहिए। कभी भी हमें अपने माता पिता को तकलीफ़ नहीं देना चाहिए, वो जैसा कहते हैं उनके हिसाब से हमें काम करना चाहिए, है ना। अगर आपको उनकी बातें कोई इधर ऐसी वैसी लगती है तो उन्हें भी आप अपने तरफ से अपने मम्मी पापा को समझा सकते हो कि मम्मी पापा आज मुझे ये काम करना है, यहाँ जाना है, तो वो आपकी बातों को सुन के राइट रॉन्ग का फैसला करके आपको हर चीज़ काम करने के लिए परमिशन देंगी। ओके, दे सकती। डॉक्टर कलाम ने ईमेल में हमें क्या सीख दी है, इसको लिखवाना है कि आप लोगों के पास है ऑलरेडी, है ना, तो ओरल में बता दे रही हूँ, उसके बाद से ये लिखवा देती हूँ। रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखी, है ना, मैं ओरल बता दूंगी, लिख लोगे ना आप सब। एक चरवाहा जंगल में बकरियां चराने जाना, ये प्रश्न है आपका। एक बकरी का दूर चले जाना, भेड़िए का आना, बकरी को खाने की इच्छा,
बकरी को गाना गाने की इच्छा, मेमे करना, आवाज सुनकर चरवाहे का लाठी लेकर आना, भेड़िए का भाग जाना, बकरी की जान बचाना, सीख। कहानी को शीर्षक दीजिए, है ना। तो इसका कहानी का शीर्षक देना है, इस कहानी का शीर्षक है बकरी की चतुराई। लिख लीजिए, मैं आपको बोल के दिखा देती हूँ, है ना। ये आपको ये कहानी ऐसे है पर आपको डिटेल में लिखना है ना। तो बता दूंगी तो आप लिख लोगे, ओरल में बताऊंगी तो लिख लोगे आप। नो ओके, चलिए मैं इसका सीख बता देती हूँ। लिखिए कहानी का शीर्षक दीजिए, इसमें बकरी की चतुराई। ये है बकरी की चतुराई। फर्स्ट मैं ओरल बोल दी हूँ, उत्तर में लिखा रही हूँ यहाँ से। लिखिए, है ना, बकरी की चतुराई। बकरी की चतुराई में है, एक चरवाहा था। देखिए, एक वहा था, है ना, वह रोज बकरियां चराने के लिए जंगल में जाता था। वह रोज यहाँ चराने के लिए जंगल में जाता था। है ना। एक दिन बकरी घास चरते चरते कुछ दूर निकल गई। एक दिन बकरी घास चरते चरते लिखे घास चरते चरते बहुत दूर निकल गई, है ना। बेटर प्लस बहुत दूर निकल गई, है ना, बहुत दूर निकल गई। और आप बोल के लिखवा दो, हाँ वीडियो में देख लोगे। अच्छा सुनो, निकल गई। उसने किसी के घुराने की आवाज सुनी। उसने किसी के आवाज सुनी। उसने सिर उठाकर देखा तो सामने एक भेड़िया खड़ा था। अच्छा बोर्ड भी कैसा है ना, इस पर ठीक से लिखा भी नहीं। हाँ, भेड़िया बोला मुझे बड़ी भूख लगी है। ओरल बता दे तुम, है ना। एक मिनट सुन लो, हाँ बाद में लिख लेना, ये सुनो। भेड़िया बोला मुझे बहुत बड़ी भूख लगी है, अच्छा हुआ तू यहाँ आ गई।
अब मैं तुझे खाऊंगा। बकरी पहले तो बहुत घबराई, फिर उसने हिम्मत से काम लिया। वह बोली, आप मुझे खाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, परंतु पहले आप मेरा एक गाना सुन लीजिए। भेड़िया बोला, चलो ठीक है, सुना तू अपना गाना। बकरी जोर जोर से मे करने लगी। आवाज़ सुनकर चरवाहा लाठी लेकर वहाँ आ पहुँचा। उसने आता देखकर भेड़िया भाग गया और बकरी की जान बच गई। वो क्या हुआ कि बस ये इंड हो गया है ना, तो वो गाना गाने के लिए मे करने लगी, तो जो चरवाहे थे वो लाठी लेके आ गए, तो वो उसका गाना सुने तब तक वो उसको डर हो गया कि कहीं वो मुझे ना मारे, तो वो सब भाग गए। तो इसलिए उसकी बकरी का क्या हुआ, जान बच गई। तो यहाँ क्या इसका सीख मिलेगा आपको, यहाँ सीख में मैं लिख देती हूँ, लिखिए सीख है ना, मुसीबत आने पर घबराना नहीं चाहिए। लिखिए मुसीबत आने पर, मुसीबत आने पर घबराना नहीं चाहिए, है ना, मुसीबत आने पर घबराना, हिम्मत और मुक्ति से काम लेने पर मुसीबत दूर हो जाती है। हिम्मत और साहस से काम लेना चाहिए, साहस से काम लेनी चाहिए। ओके, लिख लीजिएगा, यहाँ से दिख नहीं रहा है ना, इसका सीख मुसीबत आने पर घबराना नहीं चाहिए, हिम्मत और साहस से काम लेना है। ओके।